नमस्कार। आज भुगतान यानी पेमेंट्स करने के दर्जनों तरीके मार्केट में उपलब्ध हैं। बैंक और वित्तीय संस्थानों के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज भी प्रयत्नरत हैं कि किस तरह सरकारी मुद्रा का लेन देन सरल और सुरक्षित रूप से तुरंत हो सके। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग कैश का प्रयोग कम और डिजिटल भुगतान अधिक करने लगे। परंतु इस डिजिटल दौड़ में क्रिप्टोकरेंसी जैसे गैर सरकारी मुद्रा भी शामिल हो गई और देखते ही देखते उनकी ख्याति और उनका वर्चस्व दोनों बढ़ते गए। ऐसे में विश्व भर के देशों की अर्थव्यवस्था संभालने वाले सेंट्रल बैंक्स को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वे अपना दबदबा कैसे बरकरार रखें। इस प्रकार उन्होंने वही पुरानी सरकारी कागजी मुद्रा को एक नए डिजिटल अवतार में पेश करने का प्रयत्न किया, जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या शॉर्ट में सीबीडीसी। एक तरह से देखें तो सीबीडीसी कागजी मुद्रा के तरह ही है, केवल आपको इन्हें क्रेडिट कार्ड्स या डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से प्रयोग करना होगा। इसका मूल्य सरकारी मुद्रा के समान ही होगा, यानी क्रिप्टो करेंसीज की तरह या अस्थिर या अनियंत्रित नहीं होगा। करेंसी नोट्स की तरह आप सीबीडीसी पर उतना ही विश्वास कर सकते हैं। इसका वितरण मूलतः देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ही होगा और कागजी नोट की तरह ही वे धारक को इसका मूल्य अदा करने के लिए उतना ही वचनबद्ध होंगे। तो सीबीडीसी एक ऐसी मुद्रा होगी जो कैश जितना ही उपयोगी हो, जिसमें पेमेंट ऐप या क्रेडिट कार्ड्स की सहजता हो और जो क्रिप्टो करेंसीज की ही तरह संपूर्ण रूप से डिजिटल हो, और हां जिस पर सेंट्रल बैंक्स का सुरक्षा कवच भी हो। आज विश्व के करीब करीब सभी यानी 90% से भी अधिक सेंट्रल बैंक्स इस पर केवल विचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका प्रयोग आरंभ करने के लिए इस पथ पर तेजी से अग्रसर है। कहीं ये पूर्ण रूप से लागू है और कहीं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी परीक्षण की जा रही है, और जो इस पर आगे बढ़ चुके हैं दुनिया के अन्य सेंट्रल बैंक और सरकारों की नजरें उन पर गढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये सरकारी मुद्रा पूर्ण रूप से उनके नियंत्रण में होगी। इसलिए इसके द्वारा केंद्रीय बैंक्स एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज को तो वे निश्चित रूप से टक्कर देंगे, साथ ही वे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी फर्म्स के बढ़ते एकाधिकार यानी उनके मोनोपोली पर भी जरूरत अनुसार अंकुश लगा सकेंगे। अपने सरकारी जिम्मेदारी के अनुसार सेंट्रल बैंक्स इसे कम खर्च पर समाज के हर वर्ग के नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। सीबीडीसी केवल स्मार्टफोन या इंटरनेट नेटवर्क पर ही आश्रित नहीं होगी, सुदूर क्षेत्रों में बसे गांवों को भी सम्मिलित करने के लिए इसके अन्य विकल्प उपलब्ध किए जाएंगे। और ये सब करते हुए ये देश की अर्थव्यवस्था को न केवल एक स्थिरता प्रदान करेंगे, बल्कि सबका साथ लेकर सबको विकास प्रदान करेंगे। और हां, कागजी नोट फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहे, इसलिए हम तो लगे हुए हैं विश्व भर के अलग अलग कागजी मुद्राओं को संग्रह करने में। क्या पता दुनिया कब पूरी तरह से डिजिटल हो जाए। हमारी अगली कड़ी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीडीसी अन्य डिजिटल मोड्स जैसे क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स या मोबाइल वॉलेट से
अलग कैसे है? तब तक कमेंट सेक्शन में इस सरल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। भारत में सीबीडीसी का नियंत्रण किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? फिर मिलेंगे। नमस्कार।